सेक्स करने के बाद में जब स्पर्म बाहर आ जाता है तो क्या इसके वजह से इनफर्टिलिटी होती है? ये गलत है, ये मिथ है, ये मिसकंसेप्शन है, राइट? कोई भी नॉर्मल कपल में इंटरकोर्स के बाद में 70-80% ऑफ स्पर्म्स आर गोइंग टू कम आउट। ये चीज नॉर्मल है, प्लीज इस चीज को लेकर टेंशन मत लीजिए कि वो पूरा स्पर्म बाहर हो गया अब तो मुझे फर्टिलिटी का कोई चांस नहीं है। दिस इज नेचर्स नॉर्मल मैकेनिज्म। डोंट वरी, जो 20% अंदर छूट गया है ना, उससे भी कपल्स अच्छी तरह से प्रेग्नेंट होते हैं। देयर इज एब्सोल्युटली नो इफेक्ट ऑन इनफर्टिलिटी।